शिट। तो आज फाइनली मैं डेटोना राइड करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गे शिफ्ट इज इंडिया। तो आज मैं राइड पे जाने वाला हूँ। आज सैटरडे है तो लोनावला जा रहे हैं। तो आप बोलोगे हमेशा ही लोनावला जाता है राइड पे, तो आज हमें टाइगर पॉइंट पे जाने के लिए मिलने वाला है क्योंकि वो ओपन हो गया है थोड़े दिन पहले। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 एंड 6:15 बजे मुझे दापुड़ी हाईवे तक पहुँचना है। तो वहाँ पर सोहेल भाई आ रहा है अपने ड्यूक 250 पे, एंड आनंद भाई ने जैसे हमेशा राइड प्लान करते हैं तो देव फाटा पर 6:30 बजे बुलाया। तो 6:15 बजे यहाँ मिलके हम दोनों 6:30 बजे तक देव फाटा पहुँचने वाले हैं। थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो चलता ही है, वो लोग वेट कर लेंगे। तो बाकी और कौन आ रहा है, कौन से बाइक्स आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, तो जाके मेरे लिए आज थोड़ा बहुत सरप्राइज़ रहेगा। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और लोनावला का हाईवे इतना सही है, मतलब बहुत मज़ा आता है जाने के लिए। एंड कम से कम अभी 1.5 से 2 साल बाद ऊपर जाने वाले हैं, तब से ये पूरा कोरोना की वजह से बंद था, तो इसलिए बहुत मतलब ज़्यादा खुशी है। और रोड्स भी ऊपर बहुत सही है, आपको देखने के लिए मिलेंगे फॉर श्योर। तो ये रही अपनी बाइक। तो अभी जल्दी से गिरअप हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ, हमेशा की तरह लेट नहीं होना है, तो आज थोड़ा मैं जल्दी निकलता हूँ। तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस अभी निकल रहा हूँ, सोहेल आ गया है दापुड़ी हाईवे पे, मैं ही लेट हो गया। देखो मुझे तो बस 2 से 3 मिनट का ही रास्ता है, 1 से 1.5 किलोमीटर मुश्किल से। तो भाई हड़पसर से वहाँ पहुँच गया, मैं अभी तक इधर ही हूँ। तो तब अंधेरा था, अभी बढ़िया रोशनी हो गई है। तो अभी वहाँ से सीधा जाएंगे देवघर रोड। आनंद को भी कॉल किया था तो वो भी निकलने वाला था, अभी कुछ 15 मिनट पहले कॉल किया था मैंने। तो अभी सीधा आपको सोहेल भाई से मिलवाते हैं। सुबह सुबह बहुत बढ़िया लगता है और मस्त एकदम, थोड़ा थोड़ा फॉग लग रहा है और बढ़िया मौसम है और अभी थोड़ी ठंड भी हो गई है पुणे में। तो ये भाई कहाँ है, ये खड़ा, चाय ले लेते हैं। हाँ भाई पी लेना, चाय तो मैंने भी नहीं पी, नाश्ता तो इतनी सुबह कहाँ होगा। पियेंगे चाय, पियेंगे, मैं भी अभी फिर पूरा निकालना पड़ेगा। हाँ, ये सोहेल भाई से मिल लो भाई, चाय पी रहा है इधर रुक के अकेले अकेले। ले लो चाय आप। नहीं नहीं अपन पियेंगे ना, रास्ते में पियेंगे, उधर अपना देव फाटा पे रुकेंगे ना, अभी इधर सीधा देव फाटा, फिर उधर आनंद वगैरह सब आएंगे, वो लोग भी पहुंचे नहीं है, निकल रहे हैं। हाँ हाँ, पी ले आराम से चाय, फिर अपन चलते हैं। हाँ वो हमेशा वैसे वेट करता है, आज वो खुद ही टाइम पे मतलब जल्दी नहीं आया, अभी 6:30 हो गए ना कब के। तो सोचा 5 मिनट लगेंगे आपको, तब तक चाय पी लेता आ गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, अभी बस सोहेल भाई चाय पी लेगा तो हम निकलते हैं सीधे देव फाटा। तो ये रहा गुरुद्वारा था देखो रोड का, राइड पे आता हूँ दोस्तों, इसलिए जाने के लिए होता नहीं है। वाहेगुरु जी मेहर करना, सही सलामत करे, वापस आ जाइए राइड करके, हंसी खुशी घर पहुँचे राइड करके बस। अभी सामने ही है देवू फाटा, भगवान का नाम लेके जाओ कुछ नहीं होता। सोहेल भाई है पीछे पीछे, देखते हैं अभी है कौन आया हुआ। अभी ये तो इतना लूज हो गया ना यार, पीछे होते रहता है।
अपने बंदे। दिख तो कोई भी नहीं रहा। अच्छा हाँ वो रहा आनंद। खैर वीरे आज मिल गया। बढ़िया भाई, इसने अगर शर्मा बोला होता ना तो समझ में आता तू आ रहा है। मतलब गौरव डेटाना वाला और कौन है और क्या हाल है वीरे? बहुत अच्छा लगा यार आज मिला। देख क्यों लगा रे यार, मिल गया। अभी आवाज सुन ली होगी डेटोना की, तभी निकल रहे हैं। देखते हैं। तो आज राइड करूंगा मैं डेटोना गौरव भाई की। निकल गए ये लोग लगता है, आगे मैं रह गया पीछे। शिफ्टिंग करता हूँ ज़्यादातर, तो भगानी होती है। तो ये बंदा भी हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, शायद मुंबई का है ये BMW वाला। वन टू थ्री और डेटोना फोर। अच्छा बंदा शायद मुंबई जा रहा है, मुझे लगा मुंबई का है। आवाज़
लोनावला एंटर कर लिया हमने अभी, जस्ट ओला का क्रॉस किया है, अभी जा रहे हैं अंदर। आज लग तो रहा है थोड़ा जल्दी आ गए गौरव भाई की वजह से पीछे पीछे। तो ये आ गया कुमार रिजॉर्ट, अभी हम लेंगे लेफ्ट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, लोनावला के अंदर भांगरवाड़ी, वहां पे ऑफिस है मेरा, तो हम लोग आते जाते रहते हैं। और यहां से राइट, अगर कोई पुणे में नहीं रहता है तो उन्होंने सुना होगा तो बुशी डैम लोनावला का जो बारिश के टाइम लोग आते हैं बहुत, इस बार थोड़ा बहुत खुला था बीच में फिर बंद कर दिया था, एक्चुअली पानी काफ़ी था तो बंद कर दिया था उन्होंने, लोग बहुत ज़्यादा फास्ट था। और ये रहा ट्रायोस मॉल लोनावला का, दिख रहा है तो मैं बताता हूँ, मतलब तो पहले जो पुलिस रोकते थे ना, जहाँ पे वो बाइक्स खड़े हैं, बंदे रुके हुए हैं, जहाँ पे अभी वो कार है, तो यहाँ पे पुलिस वाले रुकते थे, तो यहीं से वो लोग वापस भेज देते थे घर, घर मतलब वहाँ से रिटर्न भेज देते थे। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था लोनावला तो एक बंदे को भेजा था पूछने के लिए, तो वो पूछ के गया, उन्होंने बताया कि नहीं आपको अलाउड नहीं है, जो लोग यहाँ रहते हैं एमए वैली में रहते हैं कोई, तो उन्हीं को अलाउड करते थे, बाकी और कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता था, वो भी बिना काम के, काम को तो अलग बात है, वैसे नहीं घूमने के लिए नहीं जा सकते थे। अभी ओपन कर दिया है, कब बंद कर दे कुछ बोल नहीं सकते, कब लॉकडाउन हो जाए पुणे में दोबारा। तो अभी देखिए यहाँ पे तो पूरा सूखा है, बारिश खड़े पूरा भरा होता है यहाँ पे, तो अभी इधर एक स्टॉप लेते हैं इधर। वो सीट नहीं है ना इसलिए आप बैठ नहीं पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, सीट नहीं है ना इसलिए चलो लेनी है थोड़ा लेना जो महेश उठा मत गाड़ी मत करना भाई ये बहुत झेलता हूँ भाई हाँ क्या कैसा लगता अरे आराम से गिर गया तो फिर डायरेक्ट उनको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी उनकी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी हाँ एक ले लो हमको ना जाना है अरे नहीं जाना उनको खड़े साइड में रुक के ले लो थोड़ा जल्दी ऐसे साइड में रुक के ले लो ना इधर ही खड़ा होकर ले लेना तू बेटा इधर खड़ा कर ले तो आज फाइनली मैं डेटोना राइड करने वाला हूँ भाई के ग्लव्स यहाँ रखता हूँ ये बाप रे वाह ये
पार्किंग है। क्या फील आ रहा है, ऐसे देख के बड़ी बाइक लगती है पर ऐसे बैठ के ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बाइक चला रहे हैं। ब्रेक मार के ना थोड़ा सा आगे आ जा रहा हूँ मैं, और मिरर्स के बिना चलाने की आदत नहीं है मुझे, और फिर मिरर्स के बिना ही सही दिख रही है। बहुत हुआ, आ जाओ आ जाओ अंकल आ जाओ।
मेरा हाथ बैठ रहा है अभी। लोनावला के अंदर यहाँ ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखता है INS शिवाजी, ये देखिए काफ़ी बार मैं जा चुका हूँ वो शिफ्टिंग के लिए, तो यहाँ से लोकल तो नहीं, इनका बंदों का सामान बाहर जाता है, घर का सामान पूरा, बाइक्स हो गई या तो कार हो गई। पैच खराब है, इसको बनाना चाहिए। अरे शिट, ठीक है अरे 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 ऊपर आते पकड़ नहीं क्या उधर का हाथ मत पकड़, वो नहीं ये वाला हाथ पकड़ के पकड़ना, वगैरह आराम से बाकी मत कुछ, ये वाला हाथ पकड़ कैसे गिरा मैं एक मिनट का लेट हो गया हां कैसे गया हुआ? वही कुछ समझ ही नहीं आ रहा बाप रे। अरे यहाँ से आया वो, नहीं वो यहाँ से आया हटक आया है। अरे हिम लाइक अरे वो नहीं वो गियर उसने डाउन किया ना उसके बाद बहुत स्पीड हो गई। बाप रे बाइक उठाओ यार, वो देख पूरा रोड के ऊपर गिरा यार। बैठ जा भाई, तो तू यहाँ से ऐसे नीचे गया, स्लो था, कुछ समझ ही नहीं आया मेरे को खुद को यार। उसका टायर स्किड हो गया लेफ्ट पीछे का, इतना देखा मैंने उसका टायर स्किड हुआ, तो समझ समझते कॉर्निंग करके इतना आराम से तो आ रहा था यहाँ से यार। गाड़ी अभी डायरेक्ट तो ऊपर हो गई नहीं, गाड़ी तो ऊपर होगी नहीं यार ऐसे। बाप रे वो देखो इंजन का कवर देख, रुको एक्शन कुछ नहीं होता एक्शन को, गाड़ी को है ना पहले उसको बिठाना यार ब्रो, तू बिठाना उसको, तो बैठ जा बैठ जा। स्पीड कैसे हुआ ब्रो, डू यू हैव वाटर? या उठा गाड़ी तो उठा पहले, वही तो पहले पीछे करना पड़ेगा यार, ऐसे उठेगी नहीं यार गाड़ी। बाप रे नीचे एक दो, बाप रे मैं खुद नीचे चला गया। पहले गाड़ी पीछे नहीं ऊपर ले रहा हूँ, स्टैंड स्टैंड पे लगाना। मैं कौन सी गाड़ी पे था? हाँ इस पे था मैं। हाँ हेलमेट निकाल पहले ब्रो, हेलमेट निकाल,
अरे पानी पीना है तेरे को, थोड़ा ऑयल गिर रहा है बेंच पे। अरे निकल गया भाई, वो गिरेगा, ब्रेकिंग मोशन से निकलना है, वो बस लेना, वो गिरेगा ही, पकड़ना आराम से। मेरे हुआ कैसे, क्यों नहीं हुआ? हाँ कॉर्निंग करके बाहर चला गया, कुछ समझा ही नहीं यार खुद को, क्या हो गया। बाप रे, इससे टूटा का क्या हुआ कुछ समझा नहीं। बाप रे, आराम से आराम से यार, पूरा ऑयल निकल रहा है, माँ कसम। भी क्या कर रहे हैं, मेरी बाइक को मैं टो करने वाला हूँ, तो सोहेल भाई मेरी बाइक ले रहे हैं, एंड भाई गौरव भाई थोड़ा ब्लैंक हो गया था, बोला कि मुझे ही कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, तो एकदम स्लो कम से कम 20 या 30 की स्पीड होगी, तो वो ऐसे आते आते नीचे आ गया, अपने वीडियो में देखा ही होगा। तो ये हम जस्ट ऊपर जा ही रहे थे टाइगर पॉइंट की तरफ, लेकिन अभी जा रहे हैं रिटर्न, और मैं अभी तो इसको टो करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो पूरा नीचे स्लोप ही है, तो सोहेल भाई मेरी बाइक ले रहे हैं, उसकी मैं ड्यूक ले रहा हूँ 250, तो वहाँ से टो करके मेरा भांगरवाड़ी में ऑफिस है, इसको वहाँ पे कर देंगे पार्क, और मेरी जब गाड़ी आएगी यहाँ पे, अभी टेम्पो में मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ, मेरा टेम्पो खुद का कल ट्रक आने वाली है लोनावला में शिफ्टिंग के काम से, तो मैं उसमें डाल के उसको कल या परसों कभी भी ले जाऊँ, मेरा मैं आते रहता हूँ, कभी भी ले जा सकता हूँ। चल चल रहा है ना आराम से, थोड़ा करूँ तो चल चल करता हूँ मैं, चल चल आराम से, चल इतना फास्ट जाएगा नहीं ना ये, तो आज की राइड जो है अनसक्सेसफुल, जो एक्सीडेंट हो गया मेरी बाइक का, चलो उस बेचारे की भी या भाई गौरव भाई की भी गलती नहीं, क्योंकि डेटोना राइड करता है, पहले उसके पास आरसी 390 थी, तो कुछ हो गया एक्चुअली, उसको भी समझ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है, कुछ बड़ा नहीं हुआ, किसी को ठोका नहीं है, सब ठीक है। गार्डन के यहाँ से बताता हूँ मैं, तो ये है लोगड़ उद्यान लोनावला का, यहाँ से राइट राइट यस इधर ले ले, जाने सीधा जाने इधर लेफ्ट में, हाँ 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 इधर इधर अंदर ले ले, हाँ ये इधर अंदर, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट ले, हाँ अंदर जाना है, अभी सीधा सीधा जाना है, आगे पार्किंग है, उसको वहाँ पे पार्क कर देंगे गाड़ी को, जाने राइट मार दे, ये बाइक है ना शेड के नीचे ले, इधर घुमा ले अंदर अंदर ले, और रिक्शा के बाजू में ले, वहां पे ले ले, हाँ चल लगा दे इधर लगा दे, तो मैं बात कर लेता ना उधर अंकल से, उनको बोल दूंगा मैं। तो अपना ये जो रूम्स है ना वो फर्स्ट वाले अपना ऑफिस, मतलब अभी तो लॉक है, अपन आते जाते रहते हैं, तो कल आने वाले हैं, तो शायद कल कल ही ले जाऊंगा मैं फिर, ठीक है घर में आराम से। ओके ओके जी, थैंक यू अंकल जी, ओके जी, ठीक है। तो अभी वैसे उनको बताना ज़रूरी है, कोई टेंशन नहीं है गाड़ी लगाने की, तो अभी बाइक यहाँ पे पार्क करके जा रहा हूँ, कल मेरी गाड़ी आएगी तो मैं इसको ले जाऊँगा, और जो भी काम कराना है फिर इंश्योरेंस के लिए इसको दे देंगे। तो आज का दिन सीरियसली बड़ा ख़राब रहा, चलो ठीक है जो भी है, कुछ ज़्यादा मेजर हुआ नहीं है, तो जो भी है हो जाएगा भाई, गौरव को भी कुछ लगा नहीं है, ही इज़ फिट एंड फाइन, तो सब ठीक है। बाइक यहाँ पे पार्क करके मैं ड्यूक पे पीछे बैठ के, हॉर्नेट पे पीछे बैठ के चला जाऊँगा, ड्यूक पे बैठूँगा, हॉर्नेट पे नहीं, बहुत लाउड है, तो बाय बाय, तभी जा रहा हूँ मैं। तो जैसे मेरी बाइक इंश्योरेंस में क्लेम करके सारा जब रिटर्न आएगी, तो क्या क्या पार्ट्स चेंज है मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे क्लच एक्चुअली गिर नहीं थी, तो गाड़ी तो यहाँ पे हेडफोन टूटा हुआ मिला, तो हमने ये लगा दिया था ताकि उसको बार बार
प्रेस करके ना रखना पड़े। तुम सेफली यहाँ पहुँच गए, पूरा टो करके मैं ले आया यहाँ तक, कुछ होगा 3 से 4 किलोमीटर, तो सेफली आ गए। तो राइड सेफ, राइड हार्ड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।